सोलोनॉइड स्टार्ट किया था हमने बेटा। मैंने बताया था सोलोनॉइड क्या होता। अभी तक हमने एक चीज पढ़ी थी कि जितने भी हमने करंट एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, वो सारे मैग्नेटिक फील्ड्स रोटेशनल नेचर के थे। यस और नो? ठीक है, इस वजह से नॉन यूनिफॉर्म थे। ठीक है, हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाना चाहते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कम से कम कुछ रीजन ऑफ स्पेस में यूनिफॉर्म हो जाए, मतलब ना उसका मैग्नीट्यूड बदले ना उसका डायरेक्शन बदले। ठीक है, इतनी बात। तो फॉर दैट वी आर मेकिंग एन अरेंजमेंट कॉल्ड एज वॉट सोलोनॉइड। हम एक अरेंजमेंट बना रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सोलोनॉइड कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, क्या कहानी है? अरेंजमेंट ऑफ करंट लूप्स सच दैट इन सम रीजन ऑफ स्पेस सच दैट इन सम रीजन ऑफ स्पेस मैग्नेटिक फील्ड इज नियरली अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म। एक्चुअल में यूनिफॉर्म आप मैग्नेटिक फील्ड कभी प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, लेकिन नियरली अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म आ जाए, मतलब लगभग लगभग यूनिफॉर्म जैसा, आप नियरली अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म। कहानी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप में होती है। ठीक है, तो अब क्लोज लूप में होती है तो यूनिफॉर्म होना बड़ा मुश्किल है। तो हम कुछ रीजन ऑफ स्पेस में कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे कि कुछ रीजन ऑफ स्पेस में नियरली यूनिफॉर्म जैसा अपियर करे, एक्चुअल में यूनिफॉर्म वहां भी नहीं होगा। बात क्लियर है? अब मैंने बताया था कि हम जब कोएक्सियल आइडेंटिकल करंट लूप्स लेते हैं, ठीक है इतनी बात, तो मैग्नेटिक फील्ड उनके बीच में वेरिएशन उसमें कम हो जाता है दोनों लूप्स के बीच में। ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? तीन लूप कर दें और कम वेरिएशन हो जाएगा, चार कर दें और कम वेरिएशन हो जाएगा। तो हमने क्या करा, एक एक हमने सिलेंड्रिकल कोर लिया। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, सिलेंड्रिकल नॉन कंडक्टिंग कोर, मतलब एक हॉलो सिलेंडर ले लिया जो कि नॉन कंडक्टिंग है। हॉलो सिलेंडर विच इज नॉन कंडक्टिंग, यस और नो? ठीक है, अब हमने क्या करा, इसके ऊपर हमने करंट कैरिंग वायर लपेट दी। ठीक है, इतनी बात। दिस इज करंट कैरिंग वायर, वुंडेड, वुंडेड मतलब लपेटा गया, वुंडेड ओवर, वुंडेड ओवर। हमारे पास क्या है, देखो, करंट कैरिंग वायर वुंडेड ओवर सिलेंड्रिकल कोर, सिलेंड्रिकल
टाइटली या क्लोजली, मतलब लूप्स बहुत नजदीक हैं एक दूसरे के, इन स्पाइरल फॉर्म. स्पाइरल ही हो गया, ऐसे 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 ऐसे, स्पाइरल नहीं, हेलिकल कह देंगे. ठीक है, क्लोजली, ठीक है, सिलिंड्रिकल कोर क्लोजली. एक चीज और, ये वायर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, क्योंकि जब आप तार को लपेटोगे, जैसे आप देखो आपने तार ऐसे लपेटी, इसके बगल में दूसरी तार है, अगर वो एक दूसरे को टच कर गई तो शॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, इतनी बार. तो इनके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ है, जैसे आपके घरों में वायर होती है. ठीक है, करंट कैरिंग लूप्स आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड. From each other. मतलब जो पहली तार लपेटी उस पर प्लास्टिक का कवर, अगला फिर उसी को बढ़ा के ऐसे 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 लपेटते गए. क्लियर है भाई? क्लियर है तो यस लिख दो. ठीक है, ये हमारे पास अरेंजमेंट है. अब अगर हम ध्यान से देखें, करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो किसी भी लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, हर लूप की वजह से इस साइड है. तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमारा, वो कुछ इसके बीच में इधर की तरफ होगा. ठीक है, अपनी बात ऐसे होगा, और यही लाइंस बाहर से घूम के ऐसे वापस आएंगी. तो इस रीजन ऑफ स्पेस में जहां पर ये लपेटा गया है, यहां पर नियरली आपको यूनिफॉर्मिटी जैसा कुछ अपीयर करेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जैसा. यस और नो? ठीक है, एक्चुअल में तो मैग्नेटिक लाइंस देखो जरा, ऐसे कुछ होंगे. मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है, इतनी बात है, क्लोज लूप में, लेकिन बीच में जरा देखो, थोड़ा सा यूनिफॉर्म जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट. ठीक है, तो ये तो हमारा अरेंजमेंट हो गया. अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी सोलोनॉइड की वजह से अंदर उसके एक्सेस पे. ठीक है, इतनी बात, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनॉइड ऑन एक्सेस ऑफ सोलोनॉइड. ठीक है, इतनी बात ये करना चाहता हूं. तो क्या करना चाहते हैं, तो मैंने आपको अरेंजमेंट बता दिया. अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड ऑन एक्सिस ऑफ सोलेनोइड. ठीक है, ऊपर नीचे ही बताऊंगा भाई, क्यों परेशान है अभी, सब जगह बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड. गगनदीप परेशान ना हो, पहले एक्सेस पे निकाल ले, उसके बाद सारी बताऊंगा. अब मेरे पास ये सोलोनॉइड है, सिलेंडर. ठीक है, इसका ये एक्सेस हो गया अपन का, इस पे तार लपेटी हुई है, करंट कैरिंग वायर, मतलब करंट अंदर की तरफ उस साइड, और इधर से बाहर निकलेगा. तो इधर डॉट, ये आ गया, करंट इज आई, करंट आई है वायर में. ठीक है, इतनी बात. अब दूसरी चीज बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न लपेटे में आए, इज व्हाट स्मॉल एन. अब हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है. सपोज मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे बताना है. ठीक है, अब मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, इससे x दूरी पे
ये छोटा सा हिस्सा पकड़ा dx लेंथ का, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हो गए n इंटू डी एक्स। मानते हो या नहीं मानते हो? n इंटू डी एक्स हो गए कि नहीं हो गए, जल्दी बताओ, यस और नो? और इतने नंबर ऑफ टर्न्स हैं और यहां पर सर्कुलर लूप्स ही बन रहे हैं। भैया आप एक चीज देखो, अगर मैं किसी एक लूप की वजह से, यहां मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहूं तो क्या फॉर्मूला लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप ऑन द एक्सिस ऑफ लूप, यस और नो? हाँ या ना? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो हमने निकाला था, ये एक्स हो गया, सोलेनोइड का रेडियस मान लेते हैं आर है, ठीक है। अब जरा देखो, अगर सिंगल लूप की वजह से देखोगे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, याद है? याद है या नहीं है? एक लूप की वजह से। तो ऐसे हमने डीएन लूप्स ले लिए। कितने लूप्स हैं? डीएन, क्योंकि टोटल तो ज्यादा होंगे, मैंने इस छोटे से जगह में लिए डीएन लूप्स। तो डीएन लूप्स की वजह से क्या हो जाएगा? इनटू डीएन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस रेड वाला पोर्शन। तो क्या आ गया हमारे पास यहां पर? मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा अगर हम ऐसे देखें? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग डी बी आ रहा है, एंड डी बी इज नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज डी एन इंटू ड्यू टू सिंगल लूप। सिंगल लूप कितना? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यस और नो? यस और नो? अब हम इस dn की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, डाल देते हैं भाई। तो dn की वैल्यू डालते हैं, तो db कम्स आउट टू बी म्यू नॉट n i r स्क्वायर dx अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट इट, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, यही करना है कि नहीं करना है? ठीक है, चलो अब जरा देखते हैं, एक मिनट, हाँ ध्यान सुनना। गगनदीप, लूप की थिकनेस, सॉरी ये जो मैंने हिस्सा लिया इसकी थिकनेस dx है, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स एक पर यूनिट लेंथ है, तो dx लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे जरा बता? n dx आ जाएंगे। अब ये थीटा है बेटा, दिस इज x एंड दिस इज r, ऐसा कुछ है हमारे पास। तो आप यहीं पर देखो, tan थीटा इज x अपॉन r, हाँ या ना? यानी कि x इज इक्वल टू r tan थीटा, x इज इक्वल टू r tan थीटा, यस और नो? dx is equal to r sec square theta d theta, लिख सकता हूं, ठीक है, पुट कर देते हैं बेटा। तो क्या हो गया हमारे पास? db is equal to mu naught n i r square, dx is r sec square theta d theta upon 2 r tan theta हो गया, तो r क्यूब की कितनी बात, 1 plus tan square theta is what, sec square theta, तो sec क्यूब theta, db comes out to be mu naught n i upon 2 cos theta d theta, yes or no? अब आप एक चीज देखो, अगर मैं सोलोनॉइड के, मतलब लिमिट किस पे लग रही, थीटा पे, सोलोनॉइड के इस एंड से जोड़ता हूं, सपोज दिस एंगल इज अल्फा, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, और इस एंड को जोड़ता हूं, दिस एंगल विल बी माइनस बीटा बिकॉज दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, यस और नो?
अरे यस और नो, लिमिट क्लियर है, ठीक है, अब लगा देते हैं लिमिट। तो बी विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भाई। चलो तो बी हमारे पास आ गया म्यू नॉट एन आई अपॉन टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई, ठीक है, ये आ गया, क्लियर है। मतलब आपने जिस भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस जगह से सोलेनोइड के दोनों एंड्स पे एंगल देख लो, ठीक है, रेडियस के साथ में, और उसके बाद म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आ गया हमारे पास, क्लियर है। चल अब जरा देखते हैं, अगर आपने इस जगह पे निकालना है, तो ऐसा कुछ, क्लियर है। अब एक बात बताओ यार, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है एक्सेस पे? जल्दी बताओ मुझे। माधव विरमानी यस कह रहा है, गधा है बिल्कुल, कैसे यूनिफॉर्म है? अबे जब मैं इधर की तरफ आऊंगा अल्फा बीटा बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? सूर्य कैसे यूनिफॉर्म है भाई? अल्फा बीटा तो बदल रहे हैं अलग अलग जगह पे एक्सिस पे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म तो नहीं है, ठीक है। हाँ डायरेक्शन सेम है एक्सिस के अलोंग, बट मैग्नेटिक फील्ड अभी नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस, डायरेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ठीक है, अब अगर मैं आता हूं बिल्कुल मिड पॉइंट पे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है, तो बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई साइन अल्फा या साइन बीटा, यस और नो? यस और नो? ठीक है, अगर मैं एंड पे आता हूं, तो अल्फा अल्फा हो गया एंड बीटा जीरो हो गया, इस केस में ये भी ठीक है या नहीं? ठीक है, अब इतनी बात हो गई, आगे बात करते हैं बेटा, इतना खेल हो गया हमारे पास। अब इसके बाद अब थोड़ा सा हम बाहर बात करें, चलो यहां पर सपोज बाहर अगर यहां पर बात करते हैं, तो ये एंगल बीटा वाला भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और अल्फा वाला तो पहले से ही पॉजिटिव था, दोनों क्लॉकवाइज, इस केस में जब लिमिट डालोगे इंटीग्रेशन की, तो कहां से डालोगे? बीटा टू अल्फा, तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा आएगा, यस और नो? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या कहानी आ गई? आउटसाइड ऑन एक्सिस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन टू इससे एक चीज तो क्लियर हो रही है कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है इन कंपैरिजन टू अंदर,
ऑन द एक्सिस, क्योंकि यहाँ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, वहां साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये सुनो ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इनसाइड सोलेनोइड इन कंपैरिजन टू आउटसाइड सोलेनोइड। कह सकते हैं मतलब मिड पे मैक्सिमम होगा और दोनों साइड घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा जल्दी बता दो। ठीक है क्लियर है। अब इसकी मैग्नेटिक लाइंस देख लेते हैं बेटा। कुछ ऐसा ऐसी सेम नीचे बनेगा, ये सुनो। तो आप देखो बाहर मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे से दूर हो रही है, मतलब लेस डेंस है, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड अपने आप क्या है, वीक है, क्लोज लूप में भी है। और देखो अंदर थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटनेस सी आ रही है, मतलब अंदर हम कह सकते हैं कि नियरली यूनिफॉर्म बिहेवियर आ रहा है। ठीक है अभी प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं बोला मैंने, लेकिन नियरली यूनिफॉर्म आ रहा है, ये सुनो। ठीक है अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की बात करूं, चलो वो बाद में करेंगे आइडियल वाले में, ठीक है इतनी बात ये आ गया। अब इतनी बात हो गई, अब आते हैं हम आइडियल सोलेनोइड पे जो हम पढ़ते हैं ज्यादातर। आइडियल सोलेनोइड दैट इज लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग मतलब जो सोलेनोइड की लेंथ है उसके कंपैरिजन में रेडियस सोलेनोइड का निकम्मा होता है। द लेंथ ऑफ सोलेनोइड इज मच मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सोलेनोइड। बात समझ में आई? ठीक है अब इस केस में अगर मैं एक्सिस पे कोई पॉइंट पकड़ता हूं, देखो यहां पर भी मैं बड़ा नहीं बना पा रहा हूं, बड़ा बनाने के लिए इधर पता नहीं कहां तक जाना पड़ेगा, इधर पता नहीं कहां तक जाना पड़ेगा, यस और नो, यस और नो जल्दी बोलो। ठीक है अब एक्सिस पर कहीं पर कोई पॉइंट पकड़ता हूं, एक्सिस पर अगर कहीं पर कोई पॉइंट पकड़ता हूं बेटा, तो जरा देखो इधर अपने पास ये अल्फा आएगा और इधर ये माइनस बीटा आएगा, लेकिन क्योंकि बहुत लॉन्ग है तो अल्फा is equal to beta in magnitude tending to what 90 degree, yes or no जल्दी बताओ। अगर ऐसा हो गया भाई तो सिंपल सी कहानी है, b will be mu not n i, yes or no b will be mu not n i, nearly uniform आ रहा है यूनिफॉर्म, अब अल्फा बीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है इतनी बात, assumed uniform, हाँ या ना। अब अगर हम एंड पे जाते हैं सोलेनोइड के, इसी सोलेनोइड के एंड पे जाते हैं, एंड पे जाते हैं
तो बीटा टेंडिंग टू जीरो, अल्फा टेंडिंग टू 90, तो बी विल बी म्यू नॉट एन आई बाई टू, एंड पे आधा हो गया, हाँ या ना। और अगर मैं बाहर जाता हूं तो अल्फा बीटा अगेन 90 हो जाएंगे, और बाहर नियरली जीरो आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ मुझे। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा था बेटा, बाहर एक्सिस पे जाता हूं तो नियरली क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आउटसाइड हालांकि जीरो नहीं है, ये भी बता दूं, एक्सिस पे यूनिफॉर्म भी नहीं है, लेकिन अजम्पशन है क्योंकि नियरली ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। आउटसाइड सोलेनोइड बी इज assumed to be zero, B is assumed to be zero, yes or no, yes or no, जल्दी बताओ, ठीक है। B solenoid के बाहर क्या है, nearly zero है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लड़की एक काम कर ले, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल ले जरा, ये डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, इसमें अंदर की तरफ है करंट, तो बी ऐसे होगा और यहां पर बाहर की तरफ बी ऐसे होगा, एक दूसरे को कैंसिल करने के नहीं करने पहले बता दे। अदिति, अदिति छवि गुप्ता, अगर मैं इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, इस एलिमेंट की वजह से निकालूं राइट साइड, इसके वजह से निकालूं लेफ्ट साइड, कैंसिल करने के नहीं कर रहे, कर रहे या नहीं कर रहे? और अगर कैंसिल कर रहे हैं बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये डिस्टेंस तो निकम्मा सा ही है, रेडियस बहुत छोटा है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, नियरली जीरो, हालांकि जीरो नहीं होगा बट जीरो मान रहे हम, ठीक है। अब इतनी बात हो गई, अब हम इसके क्या कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करते हैं, एंड क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वेरिएशन की बात करते हैं सोलेनोइड के लेंथ के अलावा। अब जरा देखो हमारे पास क्या है, लॉन्ग सोलेनोइड है बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना, लॉन्ग मतलब एल बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ ऐसे नीचे भी, ठीक है। अब एक चीज देखो, जो मैंने यहां बनाया आखिरी लाइन जो है, यहां पर अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो बी वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, होगा या नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, एग्जाम्पलर का सवाल है, ठीक है, इतनी बात, क्योंकि आखिरी लाइन तो मुड़ेगी कम से कम ऐसे, तो बी इज, अब सुनो भाई, तो जो आखिरी लाइन होगी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सोलेनोइड होगा, और यहां पर बीच में ये वाली, इसकी बात कर रहा हूं मैं, एंड ऑन एक्सिस बी वेक्टर पैरेलल टू एक्सिस, नियरली, सब कुछ नियरली है, कहानी क्लियर है। अब आ जाए मैग्नीट्यूड पे बेटा, तो देखते हैं मैग्नीट्यूड की कहानी, देखते हैं मैंने सेंटर ऑफ सोलेनोइड मान लिया, L बाई टू इधर, L बाई टू इधर, और बहुत बड़ी लेंथ है ये B, मैक्सिमम सेंटर पे होता है म्यू नॉट एन आई,
उसके बाद भले ही यूनिफॉर्म हो लेकिन थोड़ा थोड़ा घटता जरूर है और एंड पे हाफ हो जाता है, अभी हमने पढ़ा है, यस और नो जल्दी बताओ। ठीक है, तो जो ग्राफ बनेगा ये पहले थोड़ा सा यूनिफॉर्म रहेगा, अचानक डिप करेगा एल बाई टू पे हाफ, और उसके बाद तो बड़ी तेजी से डिप करके खत्म होना शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, यहां पर बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई और यहां पर एल बाई टू पे म्यू नॉट एन आई बाई टू। क्लियर है भाई? उसके बाद बाहर तो और वीक होता जाएगा। क्लियर है सबको? क्लियर है तो यस कह दो भाई। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया कौन, सोलेनोइड। अब अगला अरेंजमेंट आता है बेटा। अब देखो भाई, अब हम आते हैं एक और सिस्टम लेते हैं, टॉरिड और एंकर। टॉरिड और एंकर क्या है? इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में यूनिफॉर्म चाहते हैं और डायरेक्शन में रोटेटिंग चाहते हैं। मतलब हम क्या चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन ऑफ स्पेस में मैग्नीट्यूड में फिक्स हो जाए और सर्कुलर हो, जैसे करंट कैरिंग वायर की वजह से, इनफाइनाइट वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर तो थी लेकिन डिस्टेंस के साथ घट रही थी। म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर आता था, आर बढ़ने पे घटता था। लेकिन मैं यहां क्या चाहता हूं, कुछ रीजन ऑफ स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज ही ना हो और वो सर्कुलर भी हो। ठीक है, तो उस कहानी को करना चाहते हैं। अब जरा देखो, करंट अरेंजमेंट प्रोड्यूसिंग सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इन सम रीजन ऑफ स्पेस विद मॉड ऑफ बी कॉन्स्टेंट, ऐसा कुछ करना चाहता है। ठीक है, इतनी बात हुई, क्लियर है? जो बात मैंने बोली वैसे लिख दिया। इसमें कुछ नहीं करते हम, इसमें क्या करेंगे, हम कोई सोलोनॉइड लेंगे और उसी सोलोनॉइड को हम लॉन्ग सोलोनॉइड था, मोड कैसे गोल कर दिया, बंद कर दिया। आ गया लॉन्ग सोलोनॉइड मेड इनटू सर्कुलर फॉर्मेट, टॉरिड ही है, टॉरिड नाम है भाई। ठीक है, अब ये बन गया। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें, अच्छा इसका रेडियस हमने क्या कह दिया, आर कह दिया बेटा, मीन रेडियस, आर मीन रेडियस ऑफ टॉरिड। ठीक है, सोलोनॉइड को गोल घुमा के ऐसे जोड़ दिया, साइकिल का पहिया या ट्रक का टायर ऐसा बना दिया, उसके अराउंड हमने करंट कैरिंग वायर लपेटी हुई है बिल्कुल सोलोनॉइड जैसा। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो बी कुछ ऐसे आएगा और बी का मैग्नीट्यूड हमें पता है, लॉन्ग टॉरिड है, लॉन्ग सोलोनॉइड है, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है? हर जगह बी, ठीक है, यही मैग्नीट्यूड में सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन इसकी कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, बदल रही है, इस जगह पे ऐसे, इस जगह पे ऐसे। अब बी का मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट एन आई,
वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एक चीज देखो, मान लेते इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो एन अपॉन टू पाई आर इज स्मॉल एन, यस ऑर नो? एन अपॉन टू पाई आर इज व्हाट? स्मॉल एन। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। डाल दो कैपिटल एन के टर्म में डाल देते हैं तो क्या आएगा? ये आ गया भाई, दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फॉर टॉरिड। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत हो तो बता दो यार, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब एक दो सवाल कर लेते हैं पहले। अब हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी से करंट कैरिंग वायर आ रही है, यहाँ पर ऐसे करके घूमी, गैप बहुत छोटा है, फिर ऐसे चली गई इन्फिनिटी तक। आपको मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बताना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बताना चाहोगे? बताना चाहोगे तो जल्दी बताओ। चलो अब देखो भाई, दोबारा करते हैं इसे। अब एक चीज़ देखो, ये पहले मैं इस जगह पर निकालना चाहता हूँ ड्यू टू दिस वायर, दिस इज सेमी इन्फिनिट वायर। अब सेमी इन्फिनिट वायर है, अगर हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें ड्यू टू दिस वायर, ये आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करंट का डायरेक्शन ऐसे तो बाहर की तरफ आएगा, तो बी वन इज डॉट एंड इट इज म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर साइन जीरो प्लस साइन 90। तो कितना आ जाएगा? फोर पाई आर आ जाएगा भाई, बता दो मुझे, यस और नो? अगर इतनी बात क्लियर है तो यस लिखो। ठीक है, अब इस वाली वायर की बात करें, ये भी सेमी इन्फाइनेट हो गई और इसकी वजह से बाहर, तो बी टू भी सेम मैग्नीट्यूड आएगा और डॉट आएगा आएगा। ठीक है, अब आ जाओ आप, इसकी वजह से ये हम एक सर्कुलर लूप मान सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा अंदर, तो बी थ्री is inwards and it is mu not I upon 2R। ठीक है, अब जरा देखो, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी B3 अंदर की तरफ माइनस ट्वाइस B1, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? डायरेक्शन बतानी भाई, तो B net is equal to mu not I अपॉन टू आर माइनस म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। भाई ये बड़ा ही है तो इसलिए नेट किधर आएगा? अंदर की तरफ आएगा, यस और नो? ठीक है, अब अगला डायग्राम बना लेते हैं इसी में। ऐसे वायर आई, ऐसे लपेटा लेकर के ऐसे चली गई इस केस में। अब इस केस में देखो, तो B3 भी क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, हाँ या ना? भाई ये ऐसे तार आई सीधी इन्फिनिटी से, ऐसे घुमा और ऐसे चला गया। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा? इसकी वजह से ही बाहर, और B1 और B2 हमने निकाल ही रखे हैं बाहर, तो ये भी क्या आ गया? बाहर आ गया, बाहर आ गया। तो यहाँ पे बी नेट सब कुछ बाहर की तरफ आएगा और दोनों का क्या होगा? सम होगा, यस और नो? जल्दी बताओ भाई, मानते हो या नहीं मानते हो भाई? ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो भाई, हमारे पास
सर्कुलर नॉन कंडक्टिंग डिस्क यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा रेडियस आर, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा रेडियस आर, इट इज इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में है, रोटेटिंग विद फ्रीक्वेंसी एफ, कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है। हमें क्या बताना है, बी वेक्टर ऑन एक्सिस ऑफ डिस्क दैट इज ऑन जेड एक्सिस, बी का मैग्नीट्यूड बताना है डिस्क के एक्सिस पे यानी कि जेड एक्सिस पे, यस ऑर नो? अगर इतनी बात क्लियर तो यस लिख दो भाई एक बार, ठीक है। कैसे करेंगे, सिंपल सी कहानी है। हमने क्या करा, स्मॉल आर दूरी पे एक रिंग ले ली डी आर थिकनेस की, इसमें जो चार्ज होगा दैट इज प्लस डी क्यू इज सिग्मा इंटू टू पाई आर डी आर, मानते हो या नहीं मानते हो? ये चार्ज होगा और ये गोल घूम रहा है, तो करंट डी आई इज इक्वल टू, डी आई इज इक्वल टू एफ इंटू डी क्यू, दैट इज डी आई इज सिग्मा एफ टू पाई आर डी आर, ये करंट हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? अब ये करंट हो गया, अब इसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है ऑन द एक्सिस एट व्हाट डिस्टेंस, जेड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अब देखो ये करंट लूप हो गया, ऐसे करंट लूप की वजह से उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का हमें फॉर्मूला पता है, किधर बाहर की तरफ आएगा, अगले लूप की वजह से बाहर की तरफ आएगा, तो सबकी वजह से बाहर की तरफ आएगा, तो वेक्टर सम बाहर की तरफ आ जाएगा, यस ऑर नो? यस ऑर नो भाई? चलो तो अब हम क्या करते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डी आई रेडियस ऑफ लूप आर स्क्वायर अपॉन टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यही फॉर्मूला है या नहीं? यहां पर जेड फिक्स है, स्मॉल आर वेरिएबल है, ठीक है। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा, इंटीग्रेट जब हम करते हैं तो बी, चलो पहले डी बी लिख लें, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डी आई की वैल्यू सिग्मा एफ टू पाई आर डी आर, आर डी आर इंटू आर स्क्वायर यानी कि आर क्यूब डी आर अपॉन टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा कुछ है या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा, बेटा 2 पाई f को मैं ओमेगा भी लिख सकता हूं ना, ओमेगा के टर्म में ले ले आंसर, हाँ या ना? अरे 2 पाई f को ओमेगा भी ले सकते हैं, ठीक है, तो ज्यादा छोटा रहेगा लिखने में मुझे, अपॉन 2 इंटीग्रेशन r क्यूब डी आर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 0 टू कैपिटल R। अब मैं कुछ नॉन मेड वालों से पूछना चाहूंगा, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सिर्फ नॉन मेड वाले भाई इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? चलो एक तरीका है, z को आप R tan थीटा लिख सकते हो, दूसरा तरीका है आप z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर को t स्क्वायर ले लो, हाँ कुछ भी, ठीक है, मैं सॉल्व कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं है, सॉल्व कर दूं, डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो आंसर वुड बी समवट लाइक दिस, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा अपॉन टू
ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस वुड बी द रिजल्ट। ठीक है, इतनी बात, ये रिजल्ट आएगा हमारा। z की वैल्यू डालते जाओ, आपको b की वैल्यू मिलती जाएगी। यस ओ नो? इंटीग्रेशन मैंने नहीं करा, ठीक है, मैं फालतू अपना 5 मिनट खराब करूं, उससे अच्छा ये है क्योंकि मेडिकल वालों को इंटीग्रेट करने के लिए आएगा नहीं इतना टिपिकल, ठीक है, तो ज्यादा आसान है। अब सुनो भाई, अब अगर मुझे b एट द सेंटर ऑफ दिस डिस्क चाहिए, तो z को जीरो डाल देते हैं। Z को जीरो डालते हैं बेटा, हमारे पास आता है म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाय टू। हाँ या ना? यस ओ नो? सॉरी, आर रेडियस छूट गया यहाँ पर, कहीं पर आर भी आएगा। ठीक है, इतनी बात, यस ओ नो? आ गया भाई। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इनको आप क्वेश्चन मानो थ्योरी मानो वो आपकी मर्जी है भाई, ठीक है, और आप खुद देखो, अगर आप जेई मेंस के सितंबर वाले पेपर देखो और नीट का पेपर देखो तो आपको शायद शर्म आएगी कि इतना आसान पेपर आते हुए भी हम नंबर नहीं ला पाते हैं। ठीक है, किसी बच्चे के नंबर आ सकते हैं जेई मेंस का पेपर अगर आप देखो तो, एज वेल एज आप नीट का पेपर देखो, ठीक है, पूरे पूरे नंबर आ रखे हैं कईयों के फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, तो मतलब टफ तो पेपर आता ही नहीं है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ये शीट है, मान लो इसको मैंने ऐसे करके सेमी सिलेंडर बना दिया। क्या बना दिया? सेमी सिलेंडर, दिख रहा है सबको? ठीक, अब जरा देखो, अच्छा नहीं लग हमारे पास सेमी सिलेंडर है, ठीक है, इतनी बात, रेडियस आर, इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया, ये हमारा वाई एक्सिस, तो ये बाहर की तरफ क्या हो गया? जेड एक्सिस हो गया। क्लियर है? बाहर की तरफ क्या हो गया? जेड एक्सिस। अब मेरी बात सुनो, इस सिलेंडर में करंट मान लेते हैं अंदर की तरफ था, ऐसे क्रॉस कंडक्टिंग शीट था, उसमें करंट ऐसे, उसको हमने सेमी सिलेंडर बना दिया, मतलब शीट में ये जो मैंने शीट बनाई इसमें करंट ऐसे करके कंडक्टिंग शीट के अंदर की साइड जा रहा था। क्लियर है सबको? क्लियर है तो यस लिख दो। ठीक है, अब ये सिलेंडर बाहर की तरफ इनफाइनाइट है और अंदर की तरफ इनफाइनाइट है, along z-axis infinite length, along z-axis infinite length। दूसरी चीज एक और है जो इसमें करंट है टोटल, मतलब जो शीट में करंट फ्लो किया, जो करंट इस शीट में ऐसे फ्लो किया, दैट इज टोटल करंट इज i थ्रू द शीट। तो अब इस शीट में टोटल में अंदर की तरफ करंट आई जा रहा है, तो करंट फॉर अ यूनिट लेंथ मैंने लैम्डा माना, इट इज आई अपॉन पाई आर
एम्पियर पर मीटर, दिस इज करंट पर यूनिट लेंथ। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, अब बढ़िया खेल है। आपने क्या करा, इस सिस्टम के ऊपर थीटा एंगल पे डी थीटा ये छोटा सा एलिमेंट पकड़ा। इस एलिमेंट को अगर ध्यान से देखो, बाहर इंफिनिटी अंदर इंफिनिटी, तो एक स्ट्रेट वायर है इनफिनिट लेंथ की। क्या हो गई? स्ट्रेट वायर इनफिनिट लेंथ की, जिसमें करंट अंदर की तरफ है। यस और नो? ठीक है, डी आई करंट, दैट वुड बी लेमडा इंटू आर डी थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो? लेमडा इंटू आर डी थीटा। ठीक है, अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इनफिनिट वायर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इसके जो डिस्टेंस है उसके परपेंडिकुलर होगा। कैसा? ऐसे। डी बी 90 डिग्री, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ। ठीक है, अब हम बिल्कुल ऐसे ही यहां एलिमेंट ले लेते हैं बेटा, बिल्कुल इसके सिमेट्रिक यहां थीटा पे। ध्यान सुनना एक मिनट, हाँ ध्यान से। इस पे भी करंट अंदर की तरफ है। अगर अंदर की तरफ करंट है और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो इसके परपेंडिकुलर आएगा डीबी, मतलब ये थीटा, ये कंप्लीट 90, तो 90 माइनस थीटा एक्सिस के साथ ये भी कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा कि नहीं बनाएगा, जल्दी बताओ मुझे। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आ रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आ रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और जो x नेगेटिव x एक्सिस की तरफ आ रहे हैं दोनों ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, b नेट इज अलोंग नेगेटिव x एक्सिस एंड b नेट इज इंटीग्रेशन डी बी साइन थीटा फ्रॉम थीटा 0 to π। अगर मैं डबल कर दूं तो 0 to π/2, और अगर ऐसे करता हूं तो ऐसे। यस सुनो, चलो अब डी बी देख लेते हैं बेटा। इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज म्यू नॉट डी आई अपॉन 2 π r। ठीक है, कर दो डी आई की वैल्यू, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट लेमडा डी थीटा अपॉन 2 π r से r कट गया, कट गया, यहां डाल देते हैं। तो बी नेट इज म्यू नॉट लेमडा अपॉन 2 π कॉमन इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to π, 2 आ जाएगा इंटीग्रेट करके। तो बी नेट इज म्यू नॉट लेमडा अपॉन पाई, लेमडा के टर्म में तो ये आ गया म्यू नॉट लेमडा अपॉन पाई। अब लेमडा की वैल्यू डाल दें, लेमडा की वैल्यू कितनी, आई अपॉन पाई आर, आई अपॉन पाई आर, तो बेटा कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर, म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर। यस नो? ये कहानी हो गई। ठीक है, चलो आज हम यही खत्म करेंगे इसे, अगली क्लास में और करेंगे। ठीक है, चलो। Yeah.